नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं तरुण फिटनेस मंत्रा। गाइस, अगर आप लोगों ने अपने बाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन में इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, फिर आपके लिए अपलोड भी कर रहा हूँ। चलो, ये तो होगी मजाक की बात। आज है हमारा डे नंबर 3, वेडनेसडे। वेडनेसडे करेंगे हम आर्म्स बाइसेप्स का वर्कआउट। जो बिगनर्स मेरे भाई हैं उनको बताऊँगा अपना बाइसेप्स का वर्कआउट उनको कैसे करना है, क्या क्या उनकी एक्सरसाइज होंगी। तो बिना टाइम खराब किए अभी बताता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 जो होगी आपकी बारबेल गर्ल। आपने बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको मूवमेंट करनी अच्छे से नहीं आएगी। तो आपको पहले अपनी मूवमेंट सेट करने के लिए मशीन्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपको मशीन से करनी होगी। एक्सरसाइज नंबर 1 परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ऐसे करने आपने 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन। ये थी हमारी बाइसेप के लिए एक्सरसाइज नंबर 1। बार बार कर की जगह आपने करनी है मशीन कर, जो मैंने आपको करके दिखाया। इसमें आपकी मूवमेंट है, जो आपकी फॉर्म है वो एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, आप बार बार को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है, आप बार बार की जगह ये मशीन यूज़ करें। तो एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी जो बिगनर्स के लिए, वो होगी डंबल कर। डंबल कर मैं आपको करके दिखाऊंगा। बार बार आपको बोल रहा हूँ गाइज, ओवरवेट बिल्कुल मत लेना, ज़्यादा वेट के चक्कर में मत घुसना। मैं 5 के डंबल से आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप 5 से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं, 5 के डंबल से आप 10 से 12 रेपिटेशन ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, तो आप 4 सेट इससे परफॉर्म कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना टाइम खराब किए आपको पोजिशन दिखाऊंगा कैसे फ्रंट से भी और साइड से भी इसके करने आपने 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी बाइसेप्स की, जो थी डंबल कर्ल। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3 बाइसेप्स के लिए आपकी होगी प्रीचर कर्ल। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो नॉर्मल मशीन पर भी आप डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा कैसे करनी है प्रीचर कर्ल। इसके करने आपने 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन। मूवमेंट देखो गाइस, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी मूवमेंट ठीक नहीं होगी तो आपका वर्कआउट लगाने का, एक्सरसाइज लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट आपकी बॉडी है जो वो टॉर्चर होगी, ना कि आपकी मसल। तो बिना टाइम खराब किए अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये थी आपकी प्रीचर कर्ल मशीन। अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है तो आप इस बेंच पे परफॉर्म कर सकते हैं डंबल से अपना वर्कआउट। डंबल से मैं आपको करके दिखाऊंगा। करनी है आपने डंबल से अपनी एक्सरसाइज अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है। ये ऑप्शन में है दोनों चीजें। तो आप हमारी होगी एक्सरसाइज 3 फिनिश हो चुकी है बाइसेप्स के लिए। अभी 4th और फाइनल एक्सरसाइज हम करेंगे हैमर कर्ल अपने बाइसेप्स के लिए। 4th और फाइनल एक्सरसाइज हमारी बाइसेप्स के लिए वो है आपकी हैमर कर्ल। परफॉर्म करके दिखाऊंगा।
फ्रंट से भी और साइड से भी कैसे आपकी पोजीशन रहेगी हैमर कर्ल में। इसे करने आपने 4 सेट 10 से 15 रेपिटेशन। ये थी हमारी आज की 4 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने सब अच्छे से देख लिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया है कैसे आपने मूवमेंट परफॉर्म करनी है। गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आप एक बिगिनर हैं, आप किसी को मत देखिए, किसी की कॉपी मत कीजिए, नहीं तो इंजरी हो जाएगी आपकी बॉडी में। स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल कर मैं ये फुल सीरीज अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर मंडे टू सैटरडे तक। तो ये था हमारा डे 3 वेडनेसडे बाइसेप्स के लिए। कल मिलते हैं डे 4 के साथ, वो होगा आपका ट्राइसेप्स वर्कआउट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग रही है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।